महाभारत एक महाकाव्य नहीं है, ये मानव के लिए शिक्षा का ऐसा अनमोल संदूक है जो कभी खाली नहीं होता। जीवन के हर क्षेत्र के लिए इसमें कोई ना कोई शिक्षा या सबक जरूर है। कहा जाता है कि महाभारत मुख्य रूप से दो बातों पर जोर देता है। पहली, वे बातें समझो जो मनुष्य को करनी चाहिए, उन्हें जीवन में अपनाओ। दूसरी, उन बातों को समझो जो मनुष्य को कभी नहीं करनी चाहिए और उनसे हमेशा दूर रहो। परिवार, मित्र, समाज और देश के हर किसी के लिए महाभारत बहुत खास है। इसकी शिक्षाएं हर व्यक्ति के जीवन को सच की राह दिखाती है। आप देखें और अपने बच्चों को, परिवारों को जरूर इसे शेयर करें। आइए जानते हैं महाभारत के कुछ 10 अनमोल सबक। पहला, कभी किसी का अपमान मत करो। अपमान की आग बड़े बड़े साम्राज्य को नष्ट कर देती है। कभी किसी मनुष्य के व्यवसाय या फिर नौकरी को छोटा मत समझो, उसे छोटा मत कहो। दूसरा, अगर मित्रता करो तो उसे जरूर निभाओ, लेकिन मित्र होने का ये मतलब नहीं है कि गलत काम में भी मित्र का साथ दो। अगर आपका मित्र ऐसा कार्य करे जो नैतिक, संवैधानिक या किसी भी नजरिए से सही नहीं है तो उसे गलत राह छोड़ने के लिए कहना चाहिए। तीसरा, अत्यधिक लालच इंसान की जिंदगी को नरक बना देता है। जो आपका नहीं है उसे अनिति पूर्वक लेने, हड़पने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आज नहीं तो कल ईश्वर उसको दंड अवश्य ही देता है। चौथा, आप सत्य की राह पर हैं और कष्टों का सामना कर रहे हैं, लेकिन आपका कोई परिचित अनिति, अधर्म और खोटे कर्म करने के बावजूद संपन्न है, सुविधाओं से मालामाल है, तो उसे देखकर अपना मार्ग ना छोड़े। आपकी आंखें सिर्फ वर्तमान को देख सकती है, भविष्य को नहीं। पांचवा, शिष्य या पुत्र को ज्ञान देना माता पिता व गुरु का कर्तव्य है, लेकिन बिना विवेक और सद्बुद्धि के ज्ञान विनाश का कारण बनता है। इसलिए ज्ञान के साथ विवेक और अच्छे संस्कार देने भी जरूरी है। छठवां, विजय उसकी नहीं होती जहां लोग ज्यादा हैं, ज्यादा धनवान हैं या बड़े पदाधिकारी हैं। विजय हमेशा उसकी होती है जहां ईश्वर है, और ईश्वर हमेशा वही है जहां सत्य है। इसलिए सत्य का साथ कभी ना छोड़े। सातवां, अपनी अच्छी स्थिति, बैंक बैलेंस, संपदा, सुंदर रूप और विद्वता का कभी अहंकार मत कीजिए। अगर आप में ये खूबियां हैं तो ईश्वर का आभार मानिए। समय बड़ा बलवान है। धनी, ज्ञानी, शक्तिशाली पांडवों ने भी वनवास भोगा और अति सुंदर द्रौपदी भी उनके साथ वनों में भटकती रही। आठवां, जुआ, सट्टा, षड्यंत्र से हमेशा दूर रहो। ये चीजें मनुष्य का जीवन अंधकारमय बना देती है। किसी भी रूप में ये कार्य निंदनीय और वर्जित है। नौवां, जिस व्यक्ति को हितैषी, सच बोलने वाला, विपत्ति में साथ निभाने वाला, गलत कदम को रोकने वाला मित्र मिल जाता है, उसका जीवन सुखी है। जो उसकी नेक राय पर अमल करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। दसवां, इंसान की जिंदगी जन्म और मौत के बीच की कड़ी भर है। ये जिंदगी हमेशा नहीं रहेगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मौत के बाद भी हमारा अस्तित्व रहेगा। इसलिए इस जीवन में जितने हो सके उतने अच्छे कर्म कीजिए। एक बार ये जीवन बीत गया फिर आपकी प्रतिभा, पहचान, धन और रुतबा किसी काम नहीं आएंगे। ये हैं महाभारत के 10 अनमोल सबक। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे सभी वीडियोस का अपडेट लगातार आपको मिलता रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों।